हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आज आप लोगों को 10th क्लास का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका चैप्टर थर्ड क्या है? चैप्टर थर्ड का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मीन्स दो चरों वाले रैखिक समीकरण युक्त कैसे बनाते हैं। आज हम फर्स्ट ये पढ़ेंगे पहले कि दो वेरिएबल का, अच्छा दोनों वेरिएबल क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। तो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि लीनियर क्या होता है, कि जब x की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, वन होना चाहिए, y की पावर मैक्सिमम वन होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो अब लीनियर इक्वेशन में हमें बताना है टू वेरिएबल का। तो टू वेरिएबल मीन्स क्या हो गया? जिसमें इंग्लिश के कितने लेटर होने चाहिए? दो लेटर होने चाहिए, एस एन वाई ओ, आर एन एस ओ, टी वी यू वी, मतलब कोई भी दो दो लेटर हो सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 में ये पढ़ेंगे कि हाउ वी प्रिपेयर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स फ्रॉम गिवन क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उससे हम टू वेरिएबल का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम, आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है 3.1, एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 का है मैथ का। इसमें है क्वेश्चन कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी से कहता है 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, कह रहा है कि जितने तुम्हारे 7 साल पहले, 7 years पहले जितनी तुम्हारी उम्र थी उस समय मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, 7 times था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और 3 साल के बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा। इजेंट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, अच्छा इसको अल्जेब्रिकली यानी एक्स वाई के फॉर्म में लिखना और फिर उसका ग्राफ भी बनाना है, ग्राफिकली भी शो करना है। तो हम पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, लिख करते हैं आफ्ताब एंड हिज डॉटर, दो आएंगे तो दोनों के हम एज मान लेंगे। लेट क्या मानते हैं? लेट प्रेजेंट एज मानते हैं। क्यों प्रेजेंट एज मानते हैं? क्योंकि ये बोल रहा है कि बिफोर एगो, एगो मीन्स क्या होता है? मैं पहले बता दूं कि इस कंडीशन में हम करते क्या है, एगो लिखा हो या बिफोर लिखा हो या, हाँ ठीक है एगो या बिफोर लिखा है, ऐसे कंडीशन में हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं? हम माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, जितना सब्ट्रैक्ट जितना ईयर्स बोलेगा उतना हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट बोलेंगे। अच्छा कहेगा फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ या आफ्टर बोलेगा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं उतने इयर्स, क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। कहेगा टाइम्स, इतने टाइम्स, इतना टाइम्स, या कुछ और बोलेगा, जैसे यहाँ पर बोला है 7 times, 7 times ही बोला है। तो ऐसे कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई, क्लियर? मतलब ये माइनस करने का काम करेंगे, ये ऐड करने का काम करेंगे, और टाइम्स की कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। और कहेगा कि जैसे 2/3, क्या कहेगा? 1/4, ऐसा कंडीशन बोलता है कि 1/4, 1/4, 2/3 ऐसा कुछ बोलता है, 1/4 वगैरह हम उसका कर लेते हैं जो कंडीशन दिया होगा। अब इसमें क्या करें, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हम पहले कर लेंगे लेट, क्या आएगा? प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ क्या? आफ्ताब, आफ्ताब इज, कितना प्रेजेंट एज हम मान लेंगे? एक्स ईयर मान लेंगे। एंड प्रेजेंट एज ऑफ किसका? एंड उसकी बेटी का क्या नाम हैगा? क्या डॉटर बोला जा रहा है? डॉटर, तो डॉटर का प्रेजेंट एज कितना आएगा? इज डॉटर इज वाई ईयर्स, वाई ईयर्स। अच्छा ये क्या हमने एक्स और वाई क्या माना, ये प्रेजेंट एज है, एक्स किसका आएगा? फादर का, और वाई किसका आएगा? डॉटर का आएगा, क्लियर? यानी आफ्ताब है, ये डॉटर किया इसका है। तो अब कंडीशन फर्स्ट हम करेंगे
इसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि सेवन टाइम, क्या बोला है? सेवन ईयर्स एगो। अभी हमने बताया कि एगो के लिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। तो सेवन टाइम्स एगो एज ऑफ आपका सेवन टाइम्स एगो एज ऑफ आपका। अभी प्रेजेंट एक्स है, मान लो अभी 45 एज उसकी है, तो सेवन ईयर एगो के लिए सेवन माइनस करेंगे, करेंगे सात साल पहले के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इसमें से सेवन माइनस कर देंगे। क्लियर? वैसे ही सेवन ईयर सेवन क्या सेवन टाइम्स नहीं सेवन टाइम्स नहीं है यहाँ पे सेवन ईयर्स एगो एज आप, ठीक है। ऐसे ही सेवन ईयर्स एगो एज आप डॉटर, कितनी है एज? डॉटर जाएगी एज वाई, प्रेजेंट में है 7 साल पहले, वाई माइनस सेवन हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है बॉडी के क्वेश्चन हमने बोल दिया है, तो ये जो एक्स माइनस सेवन है यानी जो फादर की जो एज है, अच्छा मैं क्लियर और लिखूं अच्छे से, तो कह रहा है कि जो फादर की जो एज है, एज आप फादर, तो फादर है वह डॉटर, अब कौन किसका कितने टाइम्स है सेवन ईयर से वो, तो एज आप जो फादर है सेवन ईयर से वो, वह सेवन ईयर से एगो दोनों, तो जो डॉटर है और जो फादर है ये सेवन टाइम्स किससे? डॉटर से। तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कैसे, क्या कि सेवन ईयर पहले जो फादर की एज है यानी आपका एक्स माइनस सेवन है, इसकी वाई माइनस सेवन है, तो ये क्या है कि सेवन ईयर्स एगो के लिए हमने माइनस कर दिया। अब कह रहा है कि जो एज ऑफ इसका आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब है वह डॉटर की एज से सेवन टाइम्स है, तो जिससे सेवन टाइम्स रहेगा तो हम उसी में सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि मान लो सपोज 7 साल पहले उसके फादर की एज 35 हो, मान लो सपोज, तो ऐसे कंडीशन में यदि इसकी एज कितनी हो? 5 हो। ये बताओ कि इस कंडीशन में ये जो फादर की एज है यानी आफ्ताब की एज है वह 5 से 7 टाइम्स है कि नहीं है? है, क्योंकि 35 है तो 5 का 7 टाइम्स 5 से 35, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल करना है, क्या करना है? इक्वल, दोनों की एज को हमें इक्वल करके इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। तो हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डॉटर की एज में हम मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, लिखा हुआ है कि जो आफ्ताब की एज है 7 टाइम्स है, तो आफ्ताब की एज में ही 7 टाइम्स है, मतलब अगर इसमें हम 7 से कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इससे हो जाएगा, तो हमें इक्वल करना, हमें क्या करना है? इक्वल, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम जिससे 7 टाइम्स रहेगा 2 टाइम्स रहेगा हम उसी में मल्टीप्लाई करना होता है, जितना टाइम्स रहेगा उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम इसका फर्स्ट इक्वेशन मालूम कर लेंगे, क्या हो जाएगा एक्स माइनस सेवन इक्वल टू सेवन वाई माइनस सेवन सेवन जा 49। अब इसको वाई को स्टार्ट कर लो या फिर ऐसे एक्स इक्वल टू कर लो सेवन वाई। अच्छा, दो तरीके इसके होते हैं, एक तो इक्वेशन बनाना है सिंपल में, पहले अलजेब्रिक फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में? अलजेब्रिक मतलब बीजगणितीय रूप में, इसमें बीजगणितीय रूप में, तो कैसे लिखते हैं? ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप में, सेवन एक्स माइनस सेवन वाई हो जाएगा, और ये जो माइनस का 49 है उसको भी हम इधर ला सकते हैं, तो माइनस का 7 पहले से है और माइनस का 49 इधर आएगा, तो 49 इक्वल टू 0, एक्स माइनस सेवन वाई
इक्वल टू नहीं प्लस कर लो, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 42, यानी ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पर, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, और हिंदी में क्या बोलते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। अच्छा अब क्या है सेकंड कंडीशन, 3 years आफ्टर, मीन्स आफ्टर के लिए अभी हमने बताया था कि प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो दोनों की एज में हम क्या कर लेंगे 3 years प्लस कर लेंगे। देखो तो 3 years आफ्टर बोला, कितने years आफ्टर बोला है, कह रहा है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, वही फ्रॉम नाउ का मतलब अब से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times, कह रहा है ये जो आफ्ताब है ये 3 times हो जाएगा, किससे अपनी बेटी की एज से, तो 3 times तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जाएगा हमारा एच प्लस 3, एच प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। तो अब x माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 3y, x माइनस 3y और 3 को उधर साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा ये हमारा x, x माइनस 3y इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से अच्छा ये हमने क्या किया था, इधर प्लस का 42 कर लिया, तो क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनाना था तो इसलिए हम ज़्यादातर नंबर्स को हम प्लस के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर यही माइनस का 42 होता तो हम उसे उस साइड भेज देते, ऐसे यहाँ पे क्या प्लस का 6 है इसलिए हम इस साइड नहीं ला रहे हैं, राइट। तो ये इक्वेशन लिखने का तरीका होता है जैसे फॉर्म में, राइट। तो ये दो इक्वेशन मिल गया हमें, एक तो मिल गया ये एक्स माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, सेकेंड क्या मिला एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6। इस तरीके से हम अलजेब्रिक फॉर्म में हमने इसको शो कर दिया। अब इसको हमें शो करना है किसमें, जब इसमें ग्राफिक, ग्राफिकल फॉर्म में, तो ग्राफ बनाना है, कैसे ग्राफ बनाएंगे हम इसका, इसका ग्राफ बहुत इजी होता है, बस एक बार आपको ध्यान से समझना होता है इसको, आप एक बार अच्छे समझिए तो ग्राफ बनाने आ जाएगा। क्या है फर्स्ट, सो तो फ्रॉम फर्स्ट हम लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एक्स इक्वल टू सीधे निकालो, बस ध्यान रहने दो, क्या है एक्स माइनस 7y इक्वल टू 42 को साइड लेके जाओ तो माइनस 42। अब क्या करेंगे पुट करेंगे हम, क्या बनाना हमें ग्रेविटी शो करना है, तो पुट एक्स इक्वल टू 0, हम क्या पुट करते हैं नॉर्मली एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो 0 माइनस 7y माइनस 7y हो जाएगा माइनस 42, देन y इक्वल टू माइनस 42 अपॉन में माइनस 7 कितना जाएगा 6, यानी y इक्वल टू 6। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल में क्या लिखना होता है हमें एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू हमने कितना पुट किया था 0, देन वाई की वैल्यू कितनी मिली 6। अब अगेन अगेन क्या, अब वाई पर टू 0 पुट कर लेंगे हम, वाई पर टू 0 पुट कर लेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्स की, एक्स माइनस 7 इंटू 0 इक्वल टू माइनस 42 इक्वल टू माइनस 42, यानी एक्स माइनस 0 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 42, मीन्स एक्स इक्वल टू हमें मिल गया माइनस 42, यानी जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू मिली हमें माइनस 42। और भी एक वैल्यू मालूम कर सकते हो, कोई वैल्यू आपको कैलकुलेट कर सकते हो, बट यदि हम 0 0 रख करते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 एक बार y की वैल्यू 0, तो और वैल्यू हम ना भी रखें तो भी हमारा एक लाइन यानी ग्राफ मिल जाएगा, यानी बन जाएगा ग्राफ, क्लियर, और बढ़िया ग्राफ बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा हम बनाते हैं, अब हमें ये देखना होगा किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस 42 है, यानी इस साइड में हमें ज़्यादा चाहिए, तो माइनस 42, तो हम थोड़ा इधर बनाते हैं ग्राफ, और माइनस 42 है यहाँ पे 6 है, तो हम कितने कितने का डिफरेंस ले रहे हैं अबाउट 10 10 का, कितने का, जो कि माइनस 42 है कहाँ पर जाएगा 10
बीस तीस चालीस पचास, यानी यहाँ पे जीरो होता है और ये होता है एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स लिखना नहीं भूलेंगे, और ये होता है वाई एक्सिस। तो अब क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देन अब हमारा मिल गया एक्स इक्वल टू जीरो। देखो ध्यान से, एक्स इक्वल टू जीरो एक्स पर। अच्छा पहले हम पूरा ग्राफ को लिख लें, कैसे बनाएंगे हम, कितने कितने का डिफरेंस ले लेते हैं, दस दस का, दस माइनस का टेन, माइनस का ट्वेंटी, माइनस का थर्टी, माइनस का फोर्टी, माइनस का फिफ्टी, और ऊपर कितना जाएगा वाई की वैल्यू, कितना दस बीस तीस चालीस दस बीस, ऐसे ही नीचे माइनस का नंबर होते हैं। अच्छा ये जो नंबर्स होते हैं हमेशा हमें इस साइड लिखना होता है, दस का ट्वेंटी थर्टी फोर्टी, माइनस का टेन, माइनस का ट्वेंटी, माइनस का थर्टी। अब हमें कितना शुरू करना आएगा, जीरो पर सिक्स, देखो एक्स की वाली जीरो, जीरो के लिए ना इधर जाएंगे ना इधर, यानी ना राइट जाएंगे ना लेफ्ट, तो ऐसे कंडीशन में हम जाएंगे कहाँ, वाई के, वाई पे जाएंगे, और वाई की वैल्यू सिक्स है। सिक्स कितना मिलेगा, क्योंकि हम जो छोटे छोटे दस खाने होते हैं ग्राफ में, अब ये जो दस खाने होते हैं तो इसमें से हम अपनी सिक्स खाने ले लेंगे छोटे वाले, तो पाँच बीच में होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स पर, यानी ये हमारा मिल गया एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू सिक्स मिला यहाँ पर, ठीक है। और माइनस फोर्टी टू पर जीरो, माइनस फोर्टी टू कहाँ मिलेगा, फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू दिख रहा है, तो माइनस फोर्टी वन, यानी छोटे वाले दो खाने ले लेंगे, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस फोर्टी टू, और हम स्केल से इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे, स्केल से क्या करेंगे दोनों लाइन को हम मिला लेंगे, यही हमारा इक्वेशन हो गया, किसका ये हो गया एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी लिखो या प्लस फोर्टी टू लिख लो इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस थ्री वाई, एक्स माइनस थ्री वाई, ये हमारा एक्स माइनस थ्री वाई नेक्स्ट इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स है, फिर पुट करेंगे क्या एक्स इक्वल टू जीरो, तो माइनस कितना मिलेगा, जीरो माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, देन वाई इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस थ्री अपॉन में चला जाएगा, तो सिक्स माइनस थ्री, सिक्स अपॉन में माइनस थ्री, माइनस टू आ जाएगा, यानी हम इसमें फिर एक टेबल बनाएंगे, तो टेबल में क्या आएगा एक्स वाई, अब एक्स की वैल्यू भी हमने कितना पुट किया था जीरो, तो वाई की वैल्यू मिली माइनस टू, अब वाई की वैल्यू जीरो पुट कर लो, y की वैल्यू जीरो, तो कितना आ जाएगा x माइनस थ्री इंटू जीरो इक्वल टू सिक्स, यानी x इक्वल टू सिक्स, यानी जब y की वैल्यू हमने जीरो पुट किया देन x की वैल्यू मिल गई हमें सिक्स। ये ग्राफ कहाँ बनेगा, इसी ग्राफ में बनाना हमें, एक ही ग्राफ में दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू जीरो, जीरो पर y की वैल्यू माइनस टू, माइनस टू कहाँ आएगा नीचे, वन टू यहाँ नीचे आ जाएगा छोटा वाला काम, ये हो जाएगा हमारा y x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू माइनस टू, सिक्स पर जीरो, सिक्स पर जीरो, तो x की वैल्यू सिक्स कहाँ मिलेगा हमें, ऊपर मिलेगा, कहाँ नहीं इधर मिलेगा राइट साइड, हाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ मिल जाएगा सिक्स, और सिक्स पर कितना आएगा y की वैल्यू जीरो, यानी यहीं पर मिल गया। अच्छा ये क्या है कि बहुत पास पास मिली है, हालांकि हम इसको मिला कर भी एक दूसरे एक लाइन तो बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए कि क्योंकि हमें पास पास पॉइंट मिल गया, एक आध पॉइंट और ले लेंगे, सपोज कितना ले लेंगे एक्स की वैल्यू ट्वेंटी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम ग्राफ को देख करके भी ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं ट्वेंटी, इसलिए मैं पुट कर लेते हैं एक्स माइनस थ्री वाई में, एक और बनाएंगे हम एक्स की वैल्यू कितना हमने लेने के बोला ट्वेंटी, तो सोचो कितना मिलेगा एक्स की वैल्यू ट्वेंटी माइनस 3y माइनस 3y इक्वल टू 6 क्या आ जाएगा 20 माइनस माइनस 6 इधर आ जाएगा माइनस 3y इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 20 माइनस 6 कितना आता है 14 इक्वल टू 3y देन y इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 14 अपॉन में 3 यानी 3 4 जा 3 6 जा 18 यानी समथिंग कितना मिलेगा। तो ये क्या होगा कि अभी अभी जो हमने अपने आप से एक 20 पुट किया, क्यों पुट किया, क्योंकि ये जो ग्राफ जा रहा है हम चेक करना चाहते हैं कि सही जा रहा है या नहीं,
तो क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 20, देन y इक्वल टू हमारा मिल गया 4.6, तो 20 पर 4.6 चले जाएंगे, हाँ 4.6, तो ये 4.6 यानी करीब करीब 5, करीब करीब 5, ये जो 5 है ये 5 वाले के लाइन से होकर के ये क्वेश्चन हमारी जानी चाहिए थी, हमें ऐसे जाएंगे हमारी नहीं ये मिल गया हमारा, अरे कहीं जाकर काट लेगी वो, काटे जाए ना काटे, ठीक है ये मिल गया हमारा कौन सा पॉइंट मिला 20 पर 4.6। इस तरीके से हम एक ग्राफ बना देते हैं, हम ना लास्ट वाले ना भी बनाए तो भी अगर हमें मेन जीरो वाले मिल गए हैं तो आप ग्राफ क्लियर बना लेंगे, क्लियर इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आगे आगे ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे मैसेज में यूट्यूब के चैनल पर मैसेज में छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ अगेन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसको पॉज करके पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से ग्राफ बना सकते हो। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं इसमें कि जहां पर जिस पॉइंट से दोनों लाइनें एक दूसरे को कट की हैं, जहां पर इंटरसेक्ट की हैं, यही इंटरसेक्ट पॉइंट ही इसका आंसर होता है। तो आगे आएगा टॉपिक में तो मैं बताऊंगा कि यही आंसर कैसे होगा या कितना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आएगा, दी कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats एंड 6 balls फॉर 3900 रुपीज। क्रिकेट कोच है वह 3 bat और 6 ball खरीद रहे हैं कितने 100 रुपीज में, 3900 रुपीज में। तो ये बताओ कि 1 ball का कॉस्ट हम कितना मान लें, लेट हम पहले मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 bat माना 8 bat का कॉस्ट कितना आएगा, का मूल्य ₹1 है, कॉस्ट ऑफ 1 bat इज ₹1, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 ball कितना है 1 ball, कॉस्ट ऑफ 1 ball इज ₹1 मानेंगे, 1 ball इज ₹1, क्लियर। अच्छा रुपीज जब ऐसे लिखना होता है तो हम आगे लिखते हैं या फिर ऐसे लिख लेते हैं ना अगेन। अच्छा एक बैट का दाम ₹1, सपोज एक बैट का दाम, 1 bat का दाम सपोज ₹100 है, तो कितना बैट खरीदा है 3 bat, तो 3 bat का दाम कितना आ जाएगा, 3 × 100 होगा नहीं, ₹300 का नहीं होगा, बोलो ठीक है, एक बैट का दाम ₹100, तो 3 bat का दाम 300 होगा नहीं होगा, ऐसे ही एक बैट का दाम ₹1, 3 bat का दाम 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, तो टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे, टोटल कॉस्ट 3 bat कितना आ जाएगा 3x होगा नहीं होगा। अच्छा प्लस और क्या खरीदा है, 6 ball है, एक बॉल का दाम कितना आएगा, एक बॉल का दाम ₹1, तो कितना बॉल है 6 ball, तो 6 ball का दाम कितना आ जाएगा y × 6 यानी हो जाएगा 6y, कितना होगा 6y, इस तरीके से 3x + 6y। अच्छा दोनों कॉस्ट मिला कर दे कह रहा 3900, क्या आएगा 3900। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको भी बोलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या आएगा, द्वितीय शर्त अनुसार लेटर सी बाइज एंड द बैट, एक दूसरा बैट खरीदती है एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड ऑफ, अच्छा उसी टाइप का 3 ball और खरीदती है, 3 ball और 1 bat, तो एक बैट का दाम कितना रुपये, ₹1, और 3 ball का दाम 3y हो जाएगा, एक बॉल का दाम ₹1 हमने पहले माना था, एक बैट का दाम ₹1 और एक बॉल का दाम ₹1, तो 3 ball का दाम 3y, तो टोटल दाम कितना आ जाएगा 1300, कितना आएगा 1300। अब इसको हमें ग्राफ के द्वारा शो करना है, तो जैसे अभी हमने किया है वैसे ही इसको भी हम ग्राफ के द्वारा शो कर लेंगे, एक बार एक्स की वैल्यू 0, एक बार
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या हो गया जेफरी फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है सेम, क्या आएगा द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। हम मान कर लेंगे क्या क्या आएगा हमारे पास, एप्पल है एंड ग्रेप्स है, सेब एंड अंगूर है। लेट मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल कितना आएगा, 1 किलोग्राम कॉस्ट ₹1 मान लेंगे ₹1। एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ये कितना आएगा ₹Y मान लेंगे। तो 1 किलोग्राम का दाम ₹1 है, मान लो 1 किलोग्राम का दाम सपोज ₹100 है, तो कितना किलोग्राम है यहाँ पे, 2 किलोग्राम एप्पल है, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे, तो वैसे ही 1 किलोग्राम का दाम एक्स है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1 किलो एप्पल का दाम कितना एक्स है, तो 2 kg का 2x हो जाएगा, प्लस अब ग्रेप्स कितना आएगा कीजिए, 1 kg ऑफ ग्रेप्स केवल 1 kg यानी ₹Y, दोनों मिलाकर कितने रुपए ये हो रहा है कॉस्ट ₹160। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली सेकंड कंडीशन, तृतीय शर्त अनुसार सेकंड कंडीशन क्या है, टोटल कॉस्ट कितना किलोग्राम एप्पल है, 4 किलोग्राम एप्पल 2 किलोग्राम ग्रेप्स, 1 किलोग्राम का दाम एक्स, 4 किलोग्राम एप्पल का दाम 4x, प्लस 1 किलोग्राम क्या है ग्रेप्स, 1 किलोग्राम ग्रेप्स का दाम वाई, तो कितना किलोग्राम है यहाँ पर 2 किलोग्राम, कितना आ जाएगा 2y, और टोटल मिलकर कॉस्ट कितना हो जाएगा, कितना दाम हो जाएगा ₹300, तो हो जाएगा ₹300। इक्वेशन नंबर सेकंड, वैसे ही एक बार एक्स की वैल्यू 0 और बार वाई की वैल्यू 0 पुट करके हम दोनों का ग्राफ बना लेंगे। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल अच्छा वही जो अभी ग्राफ अभी हमने इसी शॉर्टकट में बताया हमने ग्राफ पर बेस्ड, क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ पर ही बेस्ड है पूरी तरह से, इसलिए हम उसमें और प्रॉपर तरीके से मैं ग्राफ समझाऊंगा। क्या आएगा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल ग्राफिकल यानी ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर पेयर के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसे मालूम करते हैं, तो सिंपल सी बात यह है कि अभी अभी आपने जो ग्राफ बनाया था एक ग्राफ ऐसे जा रहा था, सपोज एक ग्राफ ऐसे जा रहा था और एक ग्राफ नीचे से जा रहा था, ये जो जिस पॉइंट पे कट करता है ये हमारा क्या कहलाता है, ये सोल्यूशन, क्या कहलाता है हमारा सोल्यूशन, इस मेथड से ग्राफिकल ग्राफ के द्वारा सोल्यूशन। सपोज मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ कितना आएगा 20, अभी क्या है कि 20 के सीध में है और कितना 40 के सीध में है, तो पहले x की वैल्यू लेंगे, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ऊपर कितनी गए हैं 20, यही आ जाएगी x की वैल्यू 40 एंड y की वैल्यू भी आ जाएगी 20, ये करता हमारा ग्राफिकल मेथड, क्लियर। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, क्या एक्सरसाइज फर्स्ट
इसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्या फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स का प्रतियोगिता हो रही है, क्विज हो रहा है, उसमें 10 स्टूडेंट हैं टोटल। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें ये बताना है कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है। तो पहले बॉयज का नाम लेना है, तो पहले हम बॉयज को मान लें, लेट नंबर ऑफ बॉयज, लेट नंबर ऑफ बॉयज इज आर एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर वाई। माना लड़कों की संख्या एक्स और लड़कियों की संख्या वाई है, तो टोटल स्टूडेंट कितना है मिलकर के, एक्स वायज और वाई गर्ल टोटल मिलकर कितना स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। तो 10 एक इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। प्रथम करता हूं साहब, सेकंड कंडीशन क्या बनेगा, ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है, वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है वाई, वाई इधर लिखो एक्स था, ये कह रहा है नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वाई। कभी भी क्वेश्चन बनाना होता है तो एक तरफ अगर कहता है ऐसे कि 6 मोर देन, 4 मोर देन, लेस देन, तो ऐसे कंडीशन में हमें बीच में खोल देना होता है, एक तरफ एक्स और एक तरफ वाई लिख देंगे, यानी एक तरफ नंबर ऑफ बॉयज, एक तरफ नंबर ऑफ गर्ल्स। अब क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स यानी जो वाई है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, ये 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 4 मोर देन क्या है, नंबर ऑफ बॉय, तो नंबर ऑफ बॉयज से ज्यादा है, यानी ये सपोज अगर कितने हैं टोटल 10 है तो ये 6 है और ये कितने हैं 2, ये क्या 4 ज्यादा है नहीं है। अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे आप, प्लस 4 करेंगे तभी तो, समझाई बात, हमें इक्वल करना है। ये क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो मान लो सपोज मान लो 6 हैं और बॉयज कितने हैं 2 हैं, हम क्या कहेंगे, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वह ज्यादा है नहीं इससे, इससे ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 इसी में प्लस करेंगे बॉयज में, राइट right? तो हमने फोर प्लस कर लिया, फिर क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा एक्स वाई इधर आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई और फोर टू साइड देंगे तो माइनस फोर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ द्वारा सॉल्व करके हमें इसका सोल्यूशन बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट अभी हमने बताया है इसका ग्राफ कैसे बनाना आता है, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 आएगा, तो पुट करना होता हमें एक बार एक्स इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10 यानी वाई इक्वल टू 10। अब ये ग्राफ हम बना लेंगे एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 10, फिर पुट करेंगे अब वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना होगा, एक्स प्लस 0 इक्वल टू 10 जीरो दस है तो हम पांच पांच करते हैं, हम शो करते हैं लाइन को, कितना पांच दस और पंद्रह बीस, नीचे आएंगे तो माइनस फाइव माइनस टेन माइनस फिफ्टीन, ऐसे इधर आएंगे तो -5 -10 -15, ऊपर जाएंगे 5 10 15 और 20। अब हमें 0 पर 10 मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू इसे ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओरिजिन, और ये क्या है पूरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस,
0/10। अच्छा एक चीज और है कि एक दूसरा टेबल बना लेते हैं फिर बनाते हैं ग्राफ को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या है सेकंड कंडीशन, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस फोर है, ये भी सिंपल ही है। क्या है पुट, पहले इसको क्लियर कर दूं, चलो क्या आएगा 0/10, 0 y इक्वल टू 10 ये मिला, कितना 0/10 और x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 0 ये मिला। अब यहां पे एक ग्राफ बना लेंगे हम इसका, ठीक है। अब अगेन क्या आएगा फ्रॉम सेकंड कितना आएगा x माइनस y, इरेज कर दूं, क्या था x माइनस वाई इक्वल टू माइनस फोर था, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू पुट x इक्वल टू जीरो, पुट x इक्वल टू जीरो देन y इक्वल टू जीरो माइनस y इक्वल टू माइनस फोर, तो y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू माइनस फोर, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम टेबल बना लेंगे एक्स वाई, जब x की वैल्यू अभी हमने जीरो पुट किया तो y इक्वल टू 4 मिल गई, कितनी मिल गई प्लस का 4, फिर पुट करेंगे हम y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी x माइनस 0 इक्वल टू माइनस 4, तो क्या x इक्वल टू माइनस 4, एंड जब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 y x इक्वल टू माइनस 4। अब 0 पर 4 हम में मार्क करना, 0 पर 4 कहां मिलेगा, 0 पर y इक्वल टू 4। अब ध्यान देना होता होगा कि यहाँ पर जब 10 लाइन है, कितनी छोटी छोटी लाइने हैं 10, 10 तो 10 लाने हैं कितने बराबर है 5 पॉइंट के बराबर, क्या है 5 पॉइंट इक्वल टू 10 डीबी है, क्या आएगा 10 डीबी यानी खाने 10 खाने हैं, तो 1 पॉइंट कितने के बराबर होगा 10 अपान में 5 इक्वल टू 2 डीबी, मीन्स क्या है कि एक पॉइंट के लिए, एक पॉइंट जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट है, एक पॉइंट के लिए हम छोटे वाले कितने खाने लेंगे 2 पॉइंट लेंगे, 2 खाने लेंगे, 2 डब्बे लेंगे, तो 4 के लिए कितने लेंगे 4 दो 8, यानी हम निश्चित कितना लेंगे हम 8, कितना लेंगे हम 8, और ऐसे ही माइनस 0 को कितना लेंगे माइनस। तो अब अभी तक हमने कर लिया 0 पर 4 ले लिया, 0 पर 4 कहाँ मिलेगा सेकंड के लिए 0 पर 4, यानी 4 के लिए अभी हमने बताया कि 8, कितना पॉइंट ले लेंगे हम 8 यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 0 पर 4 मिल गया, यानी छोटे वाले कितने खाने लेंगे 8 खाने लेंगे। अब माइनस 4 पर 0 लेना है, तो माइनस 4 पर 0 कहाँ मिलेगा, माइनस की संख्या इधर आती है लेफ्ट साइड में आती है, तो माइनस 1 माइनस 2 ऐसे छोटे वाले 4 दूनी 8, 8 डब्बे लेंगे इसमें से, तो 8 कहाँ मिलेगा इधर मिल जाएगा हमें छोटे वाले माइनस 5 से पहले, कितना मिलेगा माइनस 4, ये आ जाएगा हमारा माइनस 4 इधर मिलेगा, माइनस 4 पर y के लिए 0 ना ऊपर जाएंगे ना 0, यानी ये यानी इस लाइन को दोनों को हम मिला देंगे, दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन का ग्राफ। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे, जिस पॉइंट पर कट करेंगे यही पॉइंट ही इसका आंसर होगा। अब कहां पे कट करेंगे हमें देखना होगा, ये 1 2 3 ये 3 के सीट पर कट करेंगे, कहां पर 3 के सीट में, अगर हम एक्चुअल ग्राफ बनाएंगे तो 3 पॉइंट होंगे उससे 3 पॉइंट पर, और ऊपर से कितना होगा 5 6 7 यानी 2 7 यानी 2 पॉइंट के लिए ऊपर जाएंगे, यानी 4 पॉइंट ऊपर ले लेंगे, 4 पॉइंट ऊपर यानी ये कटेगा 3 पर 7 पर दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कैसे यदि हमें चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर ले कितना मिल जाएगा 5 प्लस सेकेंड माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा 2x = -4 6x = 3 यानी हमारा x = 3 आंसर सही आया, राइट। नाउ अगेन x = 3 इसमें हम पुट कर ले तो y = कितना मिल जाएगा 10 - 3 7, ये दोनों आंसर हमारा करेक्ट आ गया। ये तो रफली काम था हमारा, मैं बताऊंगा आगे से साइड में कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बट रफली यदि आएगा तो आप ग्राफ के द्वारा ब्लॉक प्रॉपर तरीके से इसको बना लोगे, क्लियर। ये हो गया इसका आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉयज देयरफॉर
नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7, कितना आएंगे 7। इस तरीके से हमें ग्राफ के द्वारा पता चल जाता है कितने गर्ल्स इतने बॉयज, ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तो क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंसिल, इसको भी मैं ग्राफ के द्वारा समझाता हूँ क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 में भी था इसी टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें मैं समझाता हूँ कैसे करना है इसको 3.2 ग्राफ के द्वारा कैसे शो करेंगे हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ के द्वारा भी आपको अच्छे से करने आना चाहिए। ग्राफ बनाने आ गया तो समझ लो कि सोल्यूशन एक आ गया, क्योंकि दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, दो वेरिएबल टू वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो कि कैसे होना चाहिए लीनियर इक्वेशन, जैसे रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए चार मेथड होते हैं टोटल, एक तो ग्राफ वाला होता है, तीन और मेथड हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, क्या आएगा फाइव पेंसिल्स एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो लेट हम मान लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पहले पेंसिल दे रखा है पेंसिल, 1 पेंसिल कितना है, 1 पेंसिल का कॉस्ट ₹1 एंड कॉस्ट ऑफ y पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 क्या आएगा पेंसिल का नाम दूसरा पेन है, 1 पेन इज रुपीज y, तो एक पेंसिल का दाम x रुपए है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा 5x होगा, यानी हम टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट 5x, एक पेंसिल का दाम x रुपए है, पांच पेंसिल का दाम ₹5 होगा नहीं होगा, प्लस एक पेन का दाम कितना है ₹Y है, एक पेन का दाम ₹Y है, तो कितने पेन है यहाँ पर 7 पेन है, तो 7 के लिए क्या करेंगे 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7Y हो जाएगा, तो 7Y को प्लस कर लेंगे, तो ये ₹Y पेंसिल का दाम और 7Y पेन का कॉस्ट, दोनों कॉस्ट मिलकर के कितना हो रहा टोटल ₹50, कितना टोटल कॉस्ट ₹50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे ये हमने क्या किया अलजेब्रिक फॉर्म में इसको चेंज किया, एंड सेकंड इक्वेशन 7 पेंसिल है टोटल कॉस्ट, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 7 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपए है, 7 पेंसिल का दाम 7x, प्लस पेन कितना है इस बार 5 पेन है, तो 5y इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है दोनों को मिला करके टुगेदर ₹46, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करके ग्राफिकली मेथड से हमें सॉल्व करना है और एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताना है, तो कैसे ग्राफ द्वारा शो करेंगे हम, फिर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, पहले फर्स्ट से हम ग्राफ बनाते हैं, क्या आएगा फ्रॉम फर्स्ट 5x + 7y = 15, तो पुट x इक्वल टू 0, ये मेथड हमें बहुत इजी लगता है, इसलिए 0 वाला मेथड मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, क्या आएगा कि 5 × 0 + 7y = 50, तो 7y = कितना होगा 50, तो y = कितना हो जाएगा 50/7, 7×7=49 और 1 यानी 7×7 7.1 आएगा, समथिंग पुट क्या है y इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 0 इसी में पुट कर लें तो क्या जाएगा 5x + 7×0 इक्वल टू 50, देन 5x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 50/5 10 कितना जाएगा 10। अच्छा तो ये टेबल हम बना लेते हैं, इसका आएगा क्या टेबल मिलेगा, x y एस की वैल्यू अभी हमने पहले कितना पुट किया था 0, तो वाई की वैल्यू कितनी मिली 7.1, वाई की वैल्यू 0 पुट किया तो एस की वैल्यू 10, ठीक है। अच्छा अब एक दूसरा टेबल भी बना लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि एस की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है नेगेटिव, और वाई की वैल्यू कितनी नेगेटिव कितनी पॉजिटिव मिल रही है,
तो सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड आएगा 7x प्लस 5y और इक्वल टू 46, फिर x इक्वल टू पुट क्या है, x इक्वल टू 0, 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 46 एंड 5y इक्वल टू 46 जीरो जाएगा 7, 7 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इक्वल टू 46, तो y इक्वल टू 46 अपॉन 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 जो हो जाएगा 9.5 और अगेन पुट क्या करेंगे हम y इक्वल टू 0 इसमें 7x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 46 तो 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा तो 7x इक्वल टू 46 अगर जो प्लस 0 आएगा तो प्लस 0 को इसको जाएगा नाली को देन x इक्वल टू 46 अपॉन में 7 742 और कितना बचा 4 0 यानी हो जाएगा 7.6 यानी कुल कैंसिल होकर के 7.6 आएगा जो पॉइंट के बाद जब हर डिजिट आता है। अच्छा इसका मैं रूल जो समझा दूं क्या आता है रूल, जैसे 7.6 42 और 4 बचा तो 7.6 42 कितना बचा 4 पॉइंट बढ़ा के 0 और 7.5 35। अब क्या हुआ कि यहाँ पर 5 बचा, जीरो बढ़ा लेंगे अपने आप से 7.49। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसे काट करके आगे आ जाए, यदि जो सेकंड डिजिट है वो क्या 5 या 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर है जो 7 है यानी सेकंड डिजिट पॉइंट के बाद की सेकंड डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है उसे कैंसिल करके आगे वाले में यानी 5 में एक प्लस कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम आ जाएगा 7.6 यानी अगर हम इसका टेबल बनाए तो क्या टेबल बनेगा इसका x y x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 9.2 x इक्वल टू 6.6 का मिला जब y इक्वल टू 0 था ठीक है। अब हम इन दोनों का ग्राफ बना लेंगे, नोट कर लो पूरा कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको ग्राफ के द्वारा। अब इसको देखेंगे क्या ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो किस पर किसकी कितनी वैल्यू मिल रही है हमें, x की वैल्यू 10 मिल रही है तो ये कम से कम हमें 10 निकालना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्योंकि 10 बहुत बड़ी संख्या नहीं है तो 10 तक हम ले सकते हैं, बड़ी संख्या होती है तो 5-5 का डिफरेंस ले लेते हैं। क्या यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 10 है और y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 7.19.2 है मैक्सिमम यानी ये भी ऊपर तक जाएगा इतना तक 9.2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है कि 0 पर 7.1 कहाँ मिलेगा, 0 पर 7.1 0 पर 7.1 7 और 8 पॉइंट ऊपर मिल जाएगा 7.1 0 पर 7.1 और 10 पर 0 10 पर 0 ये मिलेगा 10 पर 0। अब इस दोनों पॉइंट को हम लाइन को मिला देंगे स्केल से ठीक है। अगेन 0 पर 9.2 0 पर 9.2 कहाँ आएगा, ये रहा 9.2 इससे दो काना ऊपर चला जाएगा 0 पर 9.2 ये हमारा मिल जाएगा 0 पर 9.2 और सेकंड कितना आएगा, सर इसको इरेज कर दो इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है तो मैं और 0 पर 9.2 6.6 यानी कहाँ आएगा 5 जो छोटे वाले 6 खाने होते हैं 6.6 क्या जाएगा हमारा 0 पर x की वैल्यू 6.6 देन y को भी 0 यानी ये मिल गया हमारे यहाँ पर और दोनों को मिलाएंगे यहाँ पर कितना 0 मुझे 9.2 था इसके अच्छा मिला देंगे इसके अच्छा हम मिला देंगे तो मिलाने पर ये जो दोनों एक दूसरे को पॉइंट कट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पॉइंट आएगा 3.2 ये दोनों एक दूसरे को जो कट करेंगे तो x की वैल्यू 3 x की वैल्यू
थ्री और y की वैल्यू 5 पर यहाँ पे कट करेगी, तो सही हमारा बराबर आया s की वैल्यू 3 पर, यहाँ पर 3 पर, यानी ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 पर, यानी जो दोनों लाइनें एक दूसरे के जिस पॉइंट पे कट करेंगी, जिस पॉइंट पर कट करेंगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये x एक्सिस है, तो क्या होगा नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज रुपीज, कितना रुपीज है 3, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 5 रुपीज। इस तरह से हम ग्राफ के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, आंसर मालूम कर लेते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं 3.2 के नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि इसके लिए अभी मैं बहुत एक चार्ट बना करके उसका पूरा एक खाका तैयार करके उसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि आगे के जो पूरे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के 3.2 के उसी पर बेस्ड है, तो मैं उसको आगे नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अदर स्टूडेंट को। थैंक यू सो मच।